नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, आज हम जा रहे हैं लीला ढूंगी मंदिर जो कि बद्रीनाथ में स्थित है। आज लीला ढूंगी मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। ब्लॉग में बने रहिए और आगे आगे देखते रहिए। ये लीला ढूंगी मंदिर, उसकी कथा और पूरे दिव्य दर्शन होंगे आप सभी को। आप पीछे व्यू है यहाँ का, मस्त बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए, और चलते रहिए, अब चलते हैं लीला ढोंगी मंदिर के दर्शन करने के लिए। जय बद्री विशाल। ये देखिए ट्रैकिंग रास्ता है यहाँ पे। क्या अद्भुत नजारा है। जय बद्री विशाल। और बस हम पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर लीला ढूंगी मंदिर है। आगे चलते रहिए, दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए झरना। और हम पहुंच गए हैं लीला ढूंगी मंदिर। ये है, देखिए ये है लीला ढूंगी मंदिर। ये देखिए यहाँ पे शिला है, इसी को ही बोलते हैं लीला ढूंगी मंदिर। और मूर्तियाँ भी हैं। जय हो। तो लीला ढूंगी मंदिर के बारे में जानेंगे आज हम आचार्य शुभम जी से, जैसा कि आप बताएंगे। तो जैसा कि आपको हमारे आचार्य जी हृदय जी ने बताया, हम लोग लीला ढूंगी पहुंच चुके हैं और उन्होंने आपको उस पवित्र पाषाण के दर्शन कराया जिसका यहाँ पर मूर्ति भी लगी है जी। शिला देख रहे हैं, असल में बद्रीनाथ स्थान से जो बद्रीनाथ का मंदिर है उससे यह शिला अन्योन्य आश्रय रूप से जुड़ी हुई है। इन दोनों का अन्योन्य संबंध है। कहते हैं कि बद्रीनाथ क्षेत्र प्राचीन काल में शिव जी के अधीन था, अर्थात जहाँ पर आज बद्रीनाथ का मंदिर है यहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहा करते थे। और जब यह स्थान नारायण भगवान को पसंद आ गया जी, उनकी इच्छा हुई कि इस स्थान पर रहकर के तप किया जाए, तो उन्होंने चाहा कि यह स्थान अब भगवान शिव से मैं ग्रहण कर दूँ। तो यहाँ पे आकर के उन्होंने बच्चे का ढोंग किया, इसलिए उसको कहा था लीला ढोंगी, यानी कि ढोंग की लीला। भगवान नारायण ने क्या किया, वो इस शिला पर आकर के एक बच्चे का रूप लेकर के बैठ गए और क्रंदन करने लगे। भगवान का जो करुण क्रंदन था, जो रुदन की आवाज़ थी, वो माता पार्वती के कानों तक पहुँची और माता पार्वती और शिव जी टहलते हुए यहाँ पर आए। उन्होंने जब भगवान विष्णु को बालक बने हुए देखा और इस शिला पर बैठकर रोते हुए देखा, तो माता को बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि इस निर्जन स्थान पर, उस समय तो स्थान निर्जन ही था आज से हजारों वर्ष पूर्व, बिल्कुल, तो उन्होंने सोचा कि इस निर्जन स्थान पर एक अकेला सुंदर सा बालक रो रहा है, हमें इसे शरण देनी चाहिए, हमें इसे अपने घर ले चलना चाहिए। तो वो लोगों ने कहा, दोनों ने, शिव और पार्वती जी ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आप यहाँ पर क्यों अकेले रो रहे हैं। तो उस बालक ने कहा कि हमारे चलने की शर्त है, अगर हम एक शर्त आप मेरी मानेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने एक शर्त पूछी, तो उन्होंने कहा कि आप ये स्थान मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वो स्थान, शिवजी पार्वती जी ने यह स्थान भगवान नारायण को दे दिया और तब भगवान नारायण ने अपने असली रूप में आकर के उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद ही, इस लीला के बाद, भगवान शिव और पार्वती इस स्थान से केदारनाथ चले गए और भगवान बद्री विशाल के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए। तो ये स्थान की प्राचीन कथा है, अर्थात यही वो प्राचीन शिला है जहाँ पर भगवान नारायण ने बालक के रूप में लीला करी और भगवान शिव और पार्वती से वो मिले और उन्होंने ये स्थान भगवान शिव से दान में मांग लिया। एक बार फिर से हम इस पवित्र शिला के दर्शन करेंगे और फिर अपने यात्रा आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इस कहानी के बारे में बताया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत धन्यवाद। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगली आने वाली वीडियो को आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।
अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय बद्री विशाल।